कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन कहानियों का कहा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है लाइनर। वो बहुत खूबसूरत थी, हल्के गुलाबी होंठ, गहरी आंखें, कान के पीछे से सरक कर आगे आती लटों के साथ सजी हुई खूबसूरती, बिल्कुल वैसे ही हर किसी के मन में बस जाने वाली जैसे कोई थर्ड ईयर इंजीनियरिंग का लड़का उस पेपर को याद करता है जिसमें उसकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आई हो। बहुत प्यारी थी वो, आसानी से याद रह जाने वाली। कुछ दिनों तक बात करने से पता चला कि उसका नाम रिया शुक्ला है और वो कानपुर से थी। उसको DRDO में साइंटिस्ट बनना था और कानपुर का नाम रोशन करना था। हमारे अकेले उजाड़ और नितांत एकांत संसार में वो वैसे ही बस गई थी जैसे किसी अंधेरी सड़क पर पड़ती चांद की रोशनी, साफ और निष्कपट। अपने घर के बारे में ज्यादा नहीं बताती थी और ना कभी हमने जोर दिया, क्योंकि जोर दिए जाना उसको पसंद नहीं था। और फिर वो चुप हो जाती थी, एक डरा देने वाली चुप्पी। रिया शुक्ला के साथ मेरी मुलाकातें असाइनमेंट बनाने से शुरू हुई और कोल्ड कॉफी पर खत्म। उसके साथ बिताया वक्त मेरे दिन का सबसे अच्छा वक्त होता था। हॉस्टल की रातें अब रूममेट्स के साथ किसी गेम को खेलने या गर्ल्स हॉस्टल के पास चाय पीने से ज़्यादा उसके साथ बातें करने में गुजरती। वो बहुत कुछ बताती थी अपने सपनों के, अपनी आकांक्षाओं और अपने भविष्य के बारे में। कई बार सुबह भी हो जाती और मेरे मन में उसके लिए प्यार बढ़ता ही जाता था। प्यारी थी वो, अपना लिए जाने वाली किसी आदत की तरह प्यारी। 8 महीने पहले उसने दिल्ली छोड़ दिया। उसके जाने के बाद धीरे धीरे मेरी जिंदगी सिमटने लगी। अब इंस्टाग्राम मेंशंस, फेसबुक टेक्स्ट में वो आनंद नहीं था जो उसके साथ यहाँ बैठकर बातें करने में आता था, और बातें भी अब बहुत कम होती थी। ज्यादातर समय वो कह देती कि घर पे हूँ, बाद में करूँ, बाहर आई हूँ यार अभी। कुछ समय बाद फोन कॉल्स भी बंद हो गए। रिया शुक्ला ऊपर उठ रही थी। यही सोचकर हमने खुद को मना लिया, शायद अब हम उसकी राह का रोड़ा बन रहे थे तो हमें खुद ही साइड हो जाना चाहिए। और फिर कितने ही राहुल गुप्ता होंगे जिनको वो रिप्लाई भी नहीं करती होगी, और उसके मुस्कुराते चेहरे की वॉलपेपर लगाए हुए भी तो जाने कितने लोग होंगे। कल रात को उसका फोन आया, उसने मिलने के लिए बुलाया था। वो दिल्ली में ही थी। एक बार को मन हुआ कि मना करते, लेकिन फिर उसका चेहरा, खिलखिलाते हुए उसके सफ़ेद दांत, एक और बार देख पाने का लालच बुलवा बैठा, और हमें उस रात नींद नहीं आई। ठीक वैसे ही जब वो यहाँ होती थी और मुझसे बात करती थी। हल्के गुलाबी सूट में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और उसके गाल अब भी उतने ही लाल थे जितने कॉलेज के टाइम में होते थे। हंसकर उसने अपने साथ आए लड़के से मिलवाया। ये राघव है, मेरे साथ जॉब में है। मेरा कलेजा जल गया। ऊपर से खुद को चाहे कितना भी अच्छा दिखा लूँ, मगर कोई उससे बात भर करता दिखे तो मेरा खून जल उठता था। मगर यहाँ तो वो कंधे पे हाथ रखी खड़ी थी। हम खड़े तो थे वहाँ, मगर ज़मीन नहीं थी हमारे नीचे। हम घूम रहे थे उसके साथ और साथ साथ घूम रहा था हमारा माथा। वहाँ सब थे, सूरज बड़जात्या के प्यार में त्याग से लेकर राम गोपाल वर्मा के बनाए खून उबलते दृश्य तक। वो काफ़ी कुछ बता रही थी, साथ में कॉफ़ी पिला रही थी। बिल वो पे कर रहा था, मगर मैं कहीं खोया हुआ था। कोई काली बिल्ली थी जो आड़े तिरछे घूम कर सामने के सारे रास्ते काट रही थी। मैं सरदर्द का बहाना बनाकर वहां से चला आया, ये सोचकर कि वो फोन करेगी, बावजूद ये जानते हुए भी कि अब उसकी तरफ से फोन नहीं आता। फोन नहीं आया। तीसरे रोज फिर से तलब लगी तो मैंने फोन किया। वैसी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं बिफर पड़ा, जाने क्या क्या कहा उसे, फिर बीच में फोन कट गया और उसके बाद रिसीव ही नहीं हो रहा था। मैसेज में कई कसम देने के बाद उसने कॉल उठाया और कहा, ओवरथिंकिंग मत करो, तुम्हारी सोच से और रग-रग से वाकिफ हो चुकी हूं मैं। आग आग से नहीं बुझती। मैंने फोन दीवार पे दे मारा। उसने दूसरे वाले नंबर पे कॉल किया। मैं पहले भी एक बार फोन तोड़ चुका था तो उसे अंदाजा हो गया था। इस बार उसका लहजा नरम था। वो समझा रही थी जैसे सन का हाथी ऊंट के कान चबाने से नरम होता है, हम भी नरम हो रहे थे। पर इस बार कुछ जला था और उसकी जलन बहुत मनहूसियत सी महक लिए हुए थी। उसने एक लॉन्ग ड्राइव ऑफर की, फिर उसने कहा, राघव भी साथ आने वाला है। इस बात पे पता नहीं क्यों पर हमें भी खुशी हुई थी। कुछ दिनों के बाद हमारी कार कानपुर दिल्ली रूट पर तेजी से आगे बढ़ रही थी। राघव गाड़ी चला रहा था और वो आगे बैठी थी।
शायद उसे नज़ारे देखने थे। मैं कह नहीं पाया कि मेरे साथ बैठो। उसे रिग्रेसिव लगता था ना, वो भी राघव जैसे आज़ाद ख्याल दोस्तों के सामने। पर मैं बहुत कुछ सोच रहा था जिसे वो ओवरथिंकिंग कहती थी। क्यों किया ऐसा? जब उसे मुझसे प्रेम नहीं था, किसी और से था, तो मेरी जिंदगी में आई ही क्यों? ये सारे राजजगी क्यों किए उसने? और बाबू, तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी लव का क्या? क्या यही वो भविष्य है जो मैं तुमको नहीं दे सकता? दिमाग भन्ना रहा था कि अचानक एक पीतल के लिबास में लिपटा शोला निकला और ड्राइवर का भेजा स्टेयरिंग पे बिखर गया। सेकंड के भीतर गाड़ी आगे खड़े ट्रक में समा गई। मुझे बस यहीं तक याद है, अगले रोज अखबार में खबर छपी थी, UPETS के एनकाउंटर में 2 फियादीन आतंकवादी ढेर, 1 लाइनर ब्रेन डेड। कभी मिलिट्री में ऑफिसर बनने का सपना पालने वाले हम पता नहीं कैसे पर लाइनर बन गए थे। दिल्ली से यूपी 2 आत्मघाती फियादीन रमेश शेख और कहकशां परवीन को घुसाने वाले। डॉक्टर और उनकी मशीनें हमें ब्रेन डेड घोषित कर चुकी थी, पर ना हम मरे थे ना हमारा ब्रेन। हम बस फंस चुके थे इस सोच में कि जब रिया शुक्ला ही सही नहीं थी तो हम रिग्रेसिव हैं, छोटी सोच वाले हैं, इनसिक्योर हैं, उसकी बताई ऐसी बातें भी सही हैं क्या? जवाब नहीं मिल रहा था हमें, फिर भी आंखें खोलकर एक बात कह देने को अभी भी मन कह रहा था, माँ कसम वो साड़ी में बहुत सुंदर लगती थी। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा। सुनते रहिए रेडियो सिटी, मेरा नाम है पंकज जीना।